एक एक टेलीफोन आया जो कहते हैं कि आप जो टीचिंग करते हैं देश में देते हैं उसकी एक स्पेशल ड्रेस कोई सी भी एक बना लें और उसमें आप देश ना दें तो लोगों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, लोग उसको ज़्यादा देखेंगे। पहले भी ऐसी बात सामने आई थी और मैंने उसका एक वीडियो बना के जवाब भी दिया था। पहले आप ये समझ लें कि दुनिया का जो पहला ड्रेस कोड भगवान बुद्ध ने, सुगत बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने बनाया, उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे और वो क्यों बनाया और क्यों वो इतना प्रभावी रहा और क्या उसकी वजह थी। भगवान बुद्ध को जब पहली बार ज्ञान प्राप्त हुआ बोधि वृक्ष के नीचे, तो उस समय जो कपड़े उन्होंने पहन रखे होंगे, जो भी चादर वगैरह जो भी कुछ होगा वही उनके पास होगा, कोई फिक्स ड्रेस कोड नहीं है। बाद में जब उन्हें बोधि प्राप्त हो गई तो उन्होंने जो 500 कुल चीवर होता है, 500 माने होता है धूल, धूल से भरे हुए जो कपड़े पड़े हुए होते हैं जो समय आसपास के एरिया में, उनको जोड़ तोड़ कर जो कपड़ा बनाया जाता है उसको 500 कुल बोलते हैं। उसी चादर को, उसी कपड़े को वो लपेटे थे और उस ज्ञान प्राप्त होने के बाद में जितने भी भिक्खु संघ थे वो सारे के सारे 500 कुल चीवर पे ही रहते थे। एक बार जीवक ने उनको एक बलूचिस्तान के आसपास में सिबी नाम की जगह कहीं रह रही होगी, वहाँ से लाया हुआ एक दुसाला यानी जोड़ा था, वो जोड़ा भगवान बुद्ध को दिया और निवेदन किया कि आप इसको पहने, संघ की तरफ से लें। उसके बाद भगवान बुद्ध ने ग्रस्तों से चीवर लेने की अनुमति दी और लोगों ने भिक्खुओं को और भिक्खुणियों को चीवर देने शुरू किए, सभी को चीवर दान और चीवर दान का मौका मिला। तब वो ग्रस्त के चीवर आए, चीवर जो आते थे उनको चादर बोलते थे आज की डेट में जो चादर हैं, और चीवर लगभग एक चादर के रूप में ही होता था क्योंकि सिलाई का इतना ज़्यादा बड़ा साधन तो था नहीं। बहुत तरह के चीवर बनते थे, जैसे बालों के चीवर हैं, या जो भांग का पेड़ है उसका रेशा है, या जो जूट का है उसका रेशा है, या एक दो चीज़ और भी थी, लगभग 6 प्रकार की चीज़ों के, उसमें जो कीड़ों का रेशा होता है जिसको रेशम बोलते हैं उसका भी चीवर, ऐसे चीवर थे, 6 प्रकार के चीवर थे। और उनको रंगने में पेड़ के लगभग सभी चीज़ों का इस्तेमाल होता था, छाल का, उसके कलर का, फूल का, बीज का, जिससे वो रंगे जाते थे। उसका एक पूरी आचार संहिता, एक नियम बनाए, चीवर कब लिया जा सकता है, कब दिया जा सकता है, कितने चीवर रख सकते हैं, कितने नहीं। एक बार भिक्खु और भिक्खुणी दोनों जब बारिश के दिनों में चीवरों की आवश्यकता पड़ी तो उस समय विशाखा ने एक एक चीवर उनको अलग से दान दिया जो उनको बारिश में काम आता था नहाने में। इसको उदक साटिका या वस्सी का साटिका भी बोलते हैं। उदक माने पानी होता है और वस्सी का माने जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं। साटिका माने